हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ गाउट के बारे में। गाउट को हिंदी में गठिया कहते हैं या फिर वात रोग भी कहते हैं। तो मैं इस वीडियो में गाउट क्या होता है, इसके क्या क्या कॉजेस है, इसके क्या सिम्टम्स है और इसका डायग्नोसिस कैसे होगा और इसका मैनेजमेंट कैसा होगा, इसके लिए होम रेमेडीज़ क्या है और इसका प्रिवेंशन कैसे होगा, ये सारे पॉइंट्स मैं कवर करने वाली हूँ। पहले एक लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन फ्यूचर में आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाउट क्या होता है? गाउट एक कंडीशन है जिसके अंदर हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और ये जो यूरिक एसिड रहता है हमारे जॉइंट्स के बीच में जमने लगता है, स्पेशली फुट के अंदर और पर्टिकुलरली बिग टो के ऊपर इसका असर देखा जाता है। और बिग टो के अंदर सडन पेन आता है, बहुत इंटेंस, बहुत ज़्यादा पेन रहता है और पर्सन को ऐसे फील होता है जैसे कि उसके पैर के अंदर आग लगी हो। तो चलिए अब जानते हैं गाउट होने के कॉजेस क्या है। कॉजेस ऑफ गाउट, कुछ फूड आइटम्स के अंदर प्यूरिन रहता है और जब ये प्यूरिन का ब्रेकडाउन होता है तो यूरिक एसिड फॉर्म होता है। जब यूरिक एसिड एक्सेस हो जाता है, ब्लड के अंदर एक्सेस फॉर्म हो जाता है तो गाउट होता है। कुछ कंडीशंस के अंदर यूरिक एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है जैसे कि ब्लड डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स और डिहाइड्रेशन, इन सारे कंडीशन में यूरिक एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। और कुछ कंडीशंस के अंदर हमारी बॉडी यूरिक एसिड को बाहर नहीं डाल पाती है जैसे कि किडनी डिसीजेस, थायराइड प्रॉब्लम्स और कुछ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स के अंदर हमारी बॉडी एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड को बाहर नहीं डाल पाती। सो जब यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर हमारी बॉडी यूरिक एसिड को बाहर नहीं डाल पाती है तो ब्लड के अंदर यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगता है और गाउट हो जाता है। सिम्टम्स ऑफ गाउट, गाउट के अंदर क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं? कुछ पीपल्स के अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन कोई भी सिम्टम नहीं रहता, सो इस कंडीशन को असिम्टमैटिक गाउट कहते हैं। कुछ लोगों के अंदर अक्यूट गाउट रहता है, मतलब इसके अंदर पेन सडनली आ जाता है और थोड़े दिन के लिए, 3 से 10 दिन के लिए पेन रहता है और फिर ठीक हो जाता है। अक्यूट गाउट के अंदर सडनली पेन आ जाता है, स्वेलिंग रहता है और रेडनेस रहता है और जो इन्फेक्टेड जॉइंट रहता है वो हॉट फील होता है। अगर आप अक्यूट गाउट को अवॉइड करोगे, ठीक से ट्रीटमेंट नहीं लोगे तो ये गाउट क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है और एक क्रॉनिक स्टेज में एक हार्ड लंप फॉर्म हो जाता है जॉइंट के अंदर, एक हार्ड लंप फॉर्म हो जाता है और ये वाला जो लंप है हमारे जॉइंट को डैमेज भी कर सकता है। सो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना अक्यूट स्टेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब जानते हैं गाउट होने के लिए रिस्क फैक्टर्स क्या है। सो किन किन लोगों के अंदर गाउट हो सकता है? गाउट को यूजुअली मिडिल एज्ड मैन, आदमी लोग जिनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, मिडिल एज के है, उनके अंदर देखा गया है। और वुमेन्स के अंदर पोस्ट मेनापोजल स्टेज यानी मेनापोज होने के बाद वाले एज में देखा गया है। अगर फैमिली में पेरेंट्स को या फिर सिबलिंग्स को किसी को भी गाउट है तो उस पर्सन को भी हो सकता है। अल्कोहल को ड्रिंक करने से गाउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ मेडिकेशंस रहते हैं जैसे कि डायूरेटिक्स, इनको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने से भी गाउट हो सकता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डिसीजेस, थायराइड डिसीजेस, डायबिटीज और स्लीप एपनिया, इन सारे कंडीशंस में भी गाउट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आप जानते हैं गाउट का डायग्नोसिस कैसे होगा। सो
जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर सबसे पहले तो आपके सिम्टम्स की हिस्ट्री लेगा। वो पूछेगा आप लोगों को कब से पेन हो रहा है, कैसा पेन रहता है, और उसके बाद वो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, आपके जॉइंट को देखेगा, देखेगा कि वहाँ पर कितना रेडनेस आया है, स्वेलिंग कितना है। सो वो सब उस एरिया को वो चेक करेगा। उसके बाद हो सकता है कि डॉक्टर आपको एक टेस्ट लिख के देगा जिसके अंदर जॉइंट के अंदर का फ्लूइड निकाल के चेक किया जाएगा कि उसके अंदर कितना यूरिक एसिड है भी या नहीं है। उसके बाद हो सकता है डॉक्टर आपको एक्सरे भी लिख कर दे। मैनेजमेंट ऑफ गाउट, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, अगर आप गाउट के लिए ट्रीटमेंट नहीं लोगे तो आपको आर्थराइटिस हो सकता है और आपका जो जॉइंट है ये परमानेंटली डैमेज हो जाएगा और हमेशा सोलन रहेगा। और इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर डिसाइड करिएगा आपके गाउट के सीवियरिटी के ऊपर, जो गाउट कौन से स्टेज में है और उसकी सीवियरिटी कितनी है, देखकर डॉक्टर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देगा। गाउट के पेशेंट को कुछ फूड आइटम्स को अवॉइड करना पड़ता है। जिन फूड्स के अंदर प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा रहती है उन फूड्स को अवॉइड करना पड़ता है, जैसे कि रेड मीट, ऑर्गन मीट, सी फूड और अल्कोहल, और शुगर भी कम खाना पड़ेगा क्योंकि ये भी हार्मफुल हो सकता है। चलिए अब जानते हैं गाउट के लिए होम रेमेडीज़ क्या है, कुछ नेचुरल रेमेडीज़ जो गाउट को रोक सकते हैं। मैग्नीशियम कंटेंट वाला फूड खाना चाहिए, टार्ट चेरीज़ खाना है, जिंजर यानी अदरक खाना है, एप्पल सीडर विनेगर और सेलरी, सेलरी को हिंदी में अजमोद भी कहते हैं, और नेटल टी जिसको हम लोग हिंदी में बिछुआ चाय कहते हैं, और डेंडेलियन जिसको कुकरौंधा कहते हैं, और मिल्क थिसल सीड्स यानी दूध थिसल बीज कहते हैं। सो इन सारे फूड आइटम्स को हम लोगों को अपने फूड के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। फ्रेंड्स चलिए अब जानते हैं गाउट का प्रिवेंशन कैसे करें, गाउट को होने से कैसे रोके। पहले तो अगर आप अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हो तो उसको कम कर दें। फूड आइटम्स जिनके अंदर प्यूरिन का कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है तो उनको भी अवॉइड करें। फैट कंटेंट वाले फूड्स को भी कम खाएं और डायरी प्रोडक्ट्स को भी कम कर लें, और फूड के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स खाएं, और वेट को लूज़ कीजिए। स्मोकिंग कर रहे हो तो उसको स्टॉप कर दीजिए। रोज़ाना एक्सरसाइज करिए और हाइड्रेटेड रहिए, यानी बहुत ज़्यादा पानी पीजिए। सो फ्रेंड्स ये था गाउट के बारे में। अगर हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो गाउट होता है, और इसके अंदर मेनली जॉइंट फुट और बिग टो ग्रेट टो इन्फेक्टेड होता है, और उसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन रहता है, रेडनेस आता है, स्वेलिंग आता है, और अक्यूट स्टेज में ये तीन से 10 दिन के अंदर आके चला जाता है। और इसको क्रॉनिक स्टेज को जाने ना दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका ट्रीटमेंट ले ले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू।